तुमको भी ट्रीट कर रहा था, तुम मना क्यों कर रहे थे? जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ समीक्षा अग्रवाल, यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन अमूल्स फेसबुक पेज। आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मॉम्स मैजिक कुकिंग। मॉम्स मैजिक कुकिंग इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत सारी मॉम्स अपने टैलेंट को शो कर रही हैं, अपनी बहुत सारी श्रद्धाएं दिखा रही हैं और मॉम्स भी हमारी हुई है। तकरीबन 17,000 मॉम्स हमारे मॉम्स मैजिक कुकिंग पे जुड़ी हुई हैं और हम भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप मॉम्स मैजिक कुकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अमूल में आने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो मेरी सुनाई दे रही है, मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, तो मैं आज की इसके बारे में आपसे बात करूंगी। आप थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड थैंक्स टू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि आज मुझे अमूल ने बुलाया कि मैं आप सबके सामने आके अपनी कोई रेसिपी दिखा सकूं। आज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता ग्रीन ग्रेवी के साथ, और साथ में हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो हम कोफ्ता एक अलग तरीके से बनाएंगे, ग्रेवी भी हम थोड़े नए अंदाज में बनाएंगे। आप अक्सर घर में बनाते होंगे कोफ्ता, मलाई कोफ्ता आप बनाते होंगे, पर आज मैं जो मलाई कोफ्ता आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सिंपल रेसिपी है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बनाएंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव। मेरे पास अमूल के ये प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही अमूल का तो क्या कहना, टेस्ट ऑफ इंडिया है अमूल। तो आज मैं अमूल का यहाँ पर क्या क्या यूज करने वाली हूँ आपको बताऊंगी। मैं अमूल का पनीर यूज कर रही हूँ कोफ्तों के लिए, अमूल बटर यूज कर रही हूँ, अमूल का घी यूज कर रही हूँ, अमूल फ्रेश क्रीम यूज करने वाली हूँ, अमूल के चीज यूज करने वाली हूँ और मिल्क भी मैं इसमें यूज करूंगी। तो सबसे पहले अमूल पनीर यूज करेंगे। अमूल पनीर मैंने यहाँ पर, आप देखिए मैंने यहाँ पर एक आप अच्छे से दिख रहा है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। तो ये एक कप पनीर मैंने लिया है। अब हम इसमें मलाई कोफ्ते की तैयारी करेंगे, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भुना हुआ और ये है मेरे पास रेड चिली पाउडर, तो थोड़ा सा ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालने वाली हूँ। ओके, तो हम इसकी स्टफिंग भी साथ साथ रेडी कर लेंगे कि इसमें हम क्या स्टफ करने वाले हैं। आई होप आई एम विजिबल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पैन रखा है। मेरे पास ये बादाम है, मैंने इसको रात भर पानी में भिगोया है और इसको इसके छिलके को उतार दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। अमूल देसी घी में हल्का सा देसी घी लेंगे, और मैं ये इसमें बादाम रोस्ट कर रही हूँ। जब तक ये बादाम यहाँ पर हो रहे हैं, मैं आपको कोफ्ते के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो भी बता दूं। ये होते रहेंगे, इसको 2 मिनट लगेंगे, तब तक हम यहाँ पनीर अपना मैश कर लेते हैं अच्छे से। इसमें हमें और कुछ मिलाना नहीं है, जस्ट पनीर है ये। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है लेकिन मैं इसे फिर भी अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर लीची ली है, लीची जो इस टाइम सीजन में बहुत अच्छी आ रही है, तो लीची मैंने ली है। आप सभी लीची खाते होंगे और लीची का सीजन है, तो मैंने ये जो लीची ली है इसका मैंने बीज निकाल दिया है। आपको भी इसका बीज निकालना है, इस तरीके से लीची को बीच में से खाली करना होगा। ये मैंने यहाँ पे लीची ले रखी है और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ले रही हूँ फिर से,
और थोड़ी सी मैं रेड चिली पाउडर लूंगी। और थोड़ा सा मैं लूंगी चाट मसाला। हल्का सा मैंने यहाँ पे भुना चा भी ले लिया है। अब ये जो हमारे बादाम है, ये देखिए आप हल्का सा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन होने लगे। इसको हम सीजनिंग करेंगे इस मसाले से जो हमने तैयार किया है। तो इस बादाम को मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ हमारे बॉल में। यहाँ पर हमारे पास नमक है और जैसा मैंने आपको बताया मैंने चाट मसाला डाला था और लाल मिर्च डाली थी। हम मलाई कोफ्ता बना रहे हैं। यूजली जब आप मलाई कोफ्ता बनाते होंगे तो आप पनीर के साथ आलू भी लेते होंगे और कुछ भी आप बीच में किशमिश काजू इस तरह की स्टफिंग करते होंगे या मावा भरते होंगे। मैं बीच में लीची भरने वाली हूँ। और लीची को हम किस तरह से भरेंगे, ये जो हमने एक बादाम लिया है इसको हम इसमें डाल देंगे। ये दो बस लीची जा सकते हैं, मैंने दो डाले हैं। अगर किसी किसी लीची में एक ही बादाम जाए तो आप एक ही डालिए। इसको यहाँ पर ये लीची इस तरीके से तैयार हो जाएगी। एक और बना के दिखाती हूँ। इस लीची को मैं किचन टॉवल पे करके वाटर है पे थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको हम इससे बंद कर दें। अब हमें बनाते कोफ्तों के लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है। ये जो पनीर मैंने अमूल पनीर लिया है वो है ये, और यहाँ पर मैंने लीची ले ली है। इसको हमें अच्छे से पैक करना है, इतना कोट इस तरीके से कोट करना है कि हमारी लीची इसके अंदर सील हो जाए। इसको आप अच्छे से कोट कीजिए ताकि ये सील हो जाए। मैं इसको एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी शेप भी देने वाली हूँ। तो ये हमने अच्छे से सील कर लिया है, ये कहीं से भी क्रैक्स नहीं है इसमें। मैंने इसको एग की शेप दी है, एग शेप में इसको दे रही हूँ। आप चाहे तो राउंड दे सकते हैं, ऑल शेप भी दे सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। मैंने इसको एग की शेप दी है। ओके, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। टू टेबल स्पून राइस फ्लावर और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर रिफाइंड फ्लावर ले रही हूँ, मैदा। इसमें अगेन मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ये Someone is asking, लीची के अलावा इसमें हम क्या ले सकते हैं? आप लीची के अलावा काजू किशमिश जैसे आप यूजली इसमें डालते हैं वो आप डाल सकते हैं। लीची अभी सीजन में है तो एक अच्छा चेंज रहेगा कोफ्तों के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। आप पालक यूज कर सकते हैं बीच में। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्रश ब्लैक डाल दिया है, बल्कि मुझे ये बहुत गाढ़ा रखना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से आप और भी कोफ्ते बना सकते हैं, अभी मैं आपको एक ही बना के दिखा देती हूँ। और थोड़ा पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, मेरे पास अमूल दूध है तो मैं अमूल दूध इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें अमूल दूध डाल दिया।
इसमें राइस फ्लावर डाला है हमने, तो उसकी वजह से ये काफ़ी क्रंची रहेगा बाहर से, इसका जो शेल रहेगा वो बहुत ही क्रंची रहेगा और इस कोटिंग की वजह से ये अच्छे से सील भी हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, मैं एक बार इसको अच्छे से फिर से पैक कर देती हूँ। आप पनीर को जितने अच्छे से मैश करेंगे हाथ से उतना ही अच्छा आपका कोफ्ता बनेगा। तो ये हमने इसमें इस तरीके से कोट कर दिया है और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, थोड़ा मीठा है, तीखा है, हमने चाट मसाला भी डाला है, बादाम भी डाला है, तो उसका भी टेस्ट आएगा। ये हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है, इसको हमें कम से कम 30 से 40 मिनट हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, 30 से 40 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो कोफ्ता हमारा उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। मैं 2 मिनट में, 1 सेकंड में हाथ धो के आती हूँ, आप जब तक कोफ्ते को देखिए और मेरे और इंग्रेडिएंट्स पे नजर डालिए। मैं इसे रख रही हूँ रेफ्रिजरेटर में, तो अब हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी। ओके, ग्रेवी के लिए मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे एक प्यूरे बनाया है, इसमें मैंने पालक लिया है 1 कप, मैंने ब्रोकली लिया है 1/2 कप और मैंने थोड़ा सा इसमें मटर भी डाला है 1/2 कप से भी थोड़ा कम, और इसको मैंने ब्लांच कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड ब्लेंडिंग कर दिया, ब्लेंडिंग में मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर का एक पीस डाल दिया था। तो ये मेरी प्यूरी रेडी है। अगर आपकी प्यूरी ना बन पा रही हो तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, अमूल मिल्क ऐड कर सकते हैं, तो उससे कलर बहुत ही सुंदर आ गया। तो अब हम तैयारी करें ग्रेवी, हमारी ग्रीन ग्रेवी। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा अमूल बटर, और मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा अमूल का देसी घी भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स मैं इसमें डालने वाली हूँ। हमारी जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही स्मूथ बनेगी, बहुत स्पाइसी या मिर्च वाली नहीं होगी। तो ये हमारा बटर हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हींग, पिंच ऑफ हींग मैंने डाल दिया है, और ये है मेरे पास गार्लिक, ये 4 क्लॉव्स है, मैं इसमें फ्रेश गार्लिक क्रश करके डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आएगा इसमें। हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, बेल, इसमें मक्खन डाला है मैंने। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं। मैं अमूल बटर गया है, इसमें गार्लिक डाला है और थोड़ी हींग डाली, पिंच ऑफ हींग और तेज पत्ता डाला है। अब मैं इसमें हमारी प्यूरे डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था प्यूरे में मैंने क्या क्या मिलाया था, पालक, ब्रोकली और थोड़ा सा मटर भी मैंने डाला था। और मैंने इसको ब्लेंड करते टाइम इसमें एक छोटा सा पीस जिंजर का डाल दिया था और मैंने इसको अमूल मिल्क के साथ ब्लेंड कर लिया था। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, पालक के साथ, ब्रोकली के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये फ्लेवर्स।
अब इसमें हम डालने वाले हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, और ये है मेरे पास नटमेग, तो मैं इसमें थोड़ा सा नटमेग भी डालूंगी फ्रेशली ग्रेट करके। देखिए तो मैंने इसमें पहले बटर डाला था, थोड़ा तो गार्लिक डाला, थोड़ी सी हींग तेज पत्ता, और फिर हमारी ग्रीन प्यूरी जो हमने बनाई थी पालक ब्रोकली और मटर के साथ, उसको ब्लांच कर लिया था हमने 8 सेकंड गर्म पानी में डाल के, तुरंत आप उसे ठंडे पानी डालिए ताकि उसका कलर लॉक हो जाए और चेंज ना हो, उसका कलर फ्रेश रहे, अच्छा रहे। और बाद हम उसे ब्लेंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करते हैं अमूल मिल्क के साथ, और अब हमने इसमें ग्रेवी अपना प्यूरे भी डाल दिया। कोमल वाधवा जी इज आस्किंग इफ यू डोंट हैव ब्रोकली व्हाट शुड बी यूज, यू कैन स्किप ब्रोकली, आप कैप्सिकम यूज कर सकते हो, कैप्सिकम को आप रोस्ट कर लीजिए, उसको पील कर लीजिए, रोस्ट करके उसको पील कर लीजिए और फिर आप उसमें डालिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा अमूल दूध डाल देती हूँ, हीना मेहता इज आस्किंग वेजिटेबल को ब्लांच नहीं किया आपने, मैंने बताया कि मैंने इसकी प्यूरी बना के रखी है, पहले मैंने इसे ब्लांच करके ही इसकी प्यूरी बना के रखी है, इसको आपको पालक को लेना है और 8 सेकंड तक गर्म पानी में आप रखिए उसको, पालक को ब्रोकली को और मटर को 8-10 सेकंड तक आप उसको गर्म पानी में डालिए और तुरंत आप उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए और फिर उसको आप ब्लेंड कर लीजिए, तो ये प्यूरी आपको मिलेगा। थोड़े टाइम की शॉर्टेज होती है तो इसलिए सारे स्टेप्स नहीं दिखाए जाते, तो ये अमूल क्रीम मैंने इसमें डाल दिया, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट, और मैं इसमें डाली हल्का सा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं इसमें, अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप जब इसको ब्लेंड करें तभी आप इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल सकते हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, डाल रही हूँ इसमें अच्छे से, ग्रेट। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हल्का सा कुक होने देंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने दीजिए, 5 मिनट्स और लगेंगे इसको कुक होने में, इसको हम ढक देते हैं, यस। और मैं इसके इसके साथ इस हमारे मलाई लच्छा पराठा, तो लच्छा पराठा की तैयारी करते हैं यहाँ पर, देखिए कितनी जल्दी बन गया, आपको कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, बहुत झटपट से बन जाता है, और आपके घर में अगर मेहमान आएंगे और आप उन्हें ये वाला अगर आप ग्रेवी बनाकर खिलाएंगे मलाई कोफ्ते के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आकाश तिवारी इज आस्किंग कुकिंग ऑन लो और मीडियम फ्लेम, मीडियम फ्लेम, मीडियम पे हो रहा है आकाश जी, जिसे हम मीडियम पे कर रहे हैं अभी कुक। मैंने आटा लिया है गेहूं का आटा लिया है मैंने, ये जैसे आप घर में आटा लगाते होंगे वही आटा है ये, इसको आपको रोटी जैसे आप रोटी बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा आपको इसको हार्ड रखना होगा, और जो आप पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ा सा आप सॉफ्ट रखिए इसको। लच्छा पराठा हम बनाने वाले हैं, तो लच्छा परांठा भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं। लच्छा परांठा मैं बनाने वाली हूँ चीज़ी लच्छा परांठा, तो अमूल का चीज़ यूज़ कर रही हूँ उसमें, मोज़रेला चीज़, आप चेडर चीज़ या डाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी प्यूरी, ये हमारी ग्रेवी रेडी है, जब तक
मैं लच्छा परांठे की तैयारी करती हूँ। जिस तरीके से, जिस टेक्निक से मैं आपको ये लच्छा परांठा बता रही हूँ, इससे आप आलू लच्छा परांठा या कोई भी स्टफिंग के साथ आप लच्छा परांठा आराम से बना सकते हैं। कोमल वाधवा जी इज आस्किंग कैन यू रिपीट मसाला यूज इन इट, क्या क्या मसाले आपने इसमें यूज़? मसाला आप ग्रेवी के लिए पूछ रहे हैं कोमल जी? ग्रेवी के लिए अगर आप मसाला पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बताया ग्रेवी हमें सबसे पहले आप ग्रेवी के लिए आप बटर ले लीजिए, और बटर में हम डालेंगे हींग डालेंगे थोड़ी सी, और गार्लिक डालेंगे फ्रेश, और साथ ही हम उसमें तेज पत्ता डालेंगे। उसके बाद हम अपनी प्यूरे डालेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है थोड़ा सा, और मैंने साथ में इसके डाला है नटमेग, थोड़ा सा नटमेग जाएगा इसके अंदर, और मैंने अमूल क्रीम और अमूल मिल्क का यूज़ किया है, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, और साथ ही मैंने इसमें हल्का सा रेड चिली फ्लेक्स डाला है। तो ये मेरी चॉइस है, मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाला है, आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लच्छा पराठा बना रहे हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं अगेन यहाँ पर अमूल बटर ले रही हूँ, ब्रश कर लेते हैं। हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, इसको मैं यहाँ से उतार देती हूँ। ओके, तो लच्छा पराठा के लिए मैंने इसके अंदर बटर लगा दिया है, अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी थोड़ा सा। बच्चों को तो चीज बहुत पसंद होता है, और अमूल चीज के तो क्या कहने, अमूल चीज तो वैसे ही बहुत ही अच्छा लगता है सबको, तो इसमें अमूल चीज जाने वाला है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, और अब मैं इसमें अमूल चीज डालूंगी। मोजरेला चीज लिया है मैंने, आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई और चीज़ है आप डाइस चीज़ भी ले सकते हैं अमूल का, आप अमूल चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, अगर आप चीज़ स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे, जो आप एजेस हैं उससे थोड़ा अंदर रखेंगे, और अब हम इसमें एक सर्कल करेंगे इस तरीके से, और इसको बड़ा करेंगे। हमें इसको इतना दूर तक लेके जाना है कि ये हम सील कर सकें, इसको एंड तक लेके जाएं और इसको हम सील कर दें। हमें ये सारी स्टफिंग इसमें लॉक करनी है। तो ये बहुत ही यम्मी लगेगा जब आप लच्छा पराठा की शेप में रहेगा, लच्छा पराठा रहेगा, और साथ में जब चीज अंदर से निकलेगा तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। इसको मैंने अच्छे से सील कर लिया है, अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे और फिर हम इसको रोल करेंगे। ये हमारा इस तरफ से भी सील है और इस तरफ से भी सील है, तो हमारी स्टफिंग कहीं बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहें तो इसमें आलू भर सकते हैं इसी तरीके से। मैंने इसमें मैदा या किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, आप अगर रिफाइंड फ्लावर से लच्छा पराठा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर होल व्हीट ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लेयर्स आ गई हैं इसमें, देख पा रहे हैं आप। अब हम इसे फ्लैट करेंगे हल्का सा हाथ से, इसे हम बेल लेते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं चीज इसके अंदर है, अच्छे से लॉक है। एक तो लच्छा परांठा और ऊपर से वो भी चीजी लच्छा परांठा, और मिलाई कोफ्ता, कोफ्ता भी ऐसा जिसमें अंदर सरप्राइज है, बादाम है, लीची है, ऐसा कोफ्ता हम सर्व करने वाले हैं। हमारी ग्रेवी बहुत इंटरेस्टिंग है, कलर उसका बहुत ही अच्छा आया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, आप लेयर्स देख पा रहे हैं, ये राउंड लेयर्स पूरी आपकी चीज की और आटे की साथ साथ आ रही है। अब हम इसे यहाँ पर रखते हैं।
चलिए जब तक हमारा ये पराठा बन रहा है तब तक हम साथ साथ अपनी ग्रेवी भी बॉल में निकाल लेते हैं। तो ये है हमारी ग्रेवी, ये देखिए ये ग्रेवी। अब हम इसको थोड़ा सा छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कुछ भी है, जैसे हमारे मसाले जो हमने डाले थे या गार्लिक है या कुछ भी है, वो इसमें ही रह जाए और हमें सब चीज़ों का फ्लेवर मिले। हमें बस फ्लेवर चाहिए क्योंकि हम अपनी ग्रेवी को बिल्कुल मखनी रखेंगे, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा रखने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर, मैं इसको छान रही हूँ ताकि इसके अंदर कुछ भी एक्सेस है, चिली फ्लेक्स है या कुछ भी है, वो सब हमें नहीं चाहिए। हमें इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ चाहिए। अगर आप नहीं स्किप करना, अगर आप इसको नहीं स्ट्रेन करना चाहते तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं आप इसको, लेकिन मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल मखनी टेक्सचर में इसका लाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको इसमें से निकाल दूँगी। एक बार हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि टेस्ट में कैसी है। ये है हमारी ग्रेवी रेडी। अब हम आते हैं पराठे की तरफ, देखते हैं पराठा कहाँ तक पहुँचा है। पराठे पे हमें लगाना है अमूल पराठे, पराठे पे लगाया है हमने अमूल का मक्खन। आप देसी घी से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बटर यूज़ किया है और देखिए जिस तरह से इसका चीज़ बाहर निकल रहा है ना हल्का हल्का साइड में, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसको अच्छे से हम दोनों तरफ से सेक लेते हैं। जो कोफ्ता हमने फ्रिज में रखा है उसको 30 से 40 मिनट चाहिए सेट होने के लिए, तो 30 से 40 मिनट तो आप मुझे नहीं दे पाएंगे। आप उसको फ्रिज से निकालिए और उसे डीप फ्राई कर दीजिए आप मीडियम फ्लेम पर। जब भी आप उसे 30 से 40 मिनट बाद फ्रिज से निकालें तो उसको आपको डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, आपका कोफ्ता भी रेडी हो जाएगा। अगर किसी का भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कितनी झटपट बन गई ये रेसिपी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। अब हमारा ये पराठा भी तैयार हो चुका है, इसको हम बंद करते हैं। तब तक हम अपनी प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर कोफ्ता जो है ये ऑलरेडी फ्राई करके रखा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये एग शेप में। इसको मैंने फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई करा है मैंने इसको, इसका कलर चेंज होने लगे, गोल्डन होने लगे, आप इसको निकाल लीजिए। यहाँ पर एक ये स्पिनिच का लीफ है, इसको भी मैंने इसके साथ साथ फ्राई करा था, तो ये क्रिस्पी हो गई है और पराठा भी तैयार हो रहा है बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्लेटिंग तरफ, तो हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग कैसे करेंगे? प्लेटिंग भी करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग स्टाइल में, क्योंकि रेसिपी इतनी बढ़िया है तो फिर प्लेटिंग भी बढ़िया ही होनी चाहिए। तो ये है हमारा पराठा जो तैयार हो चुका है। ये पराठा हमारा रेडी है कुल। और ये है हमारा कोफ्ता, तो ये है कोफ्ता, ये हम रखेंगे सेंटर में इस तरीके से। और अब हम ग्रेवी लेंगे, ये हमारी ग्रेवी है, इसको हम पोर करेंगे अच्छे से साइड्स में।
गरम गरम ग्रेवी और क्रिस्पी ललिता जी इज आस्किंग व्हाट मसाला यू हैव एडेड इन बादाम। बादाम में ललिता जी बादाम में मैंने डाला था चाट मसाला और नमक और लाल मिर्च। तो ये देखिए कितना टेस्टी सा बादाम लग रहा है, ये चटपटा सा। हमारी ग्रेवी स्मूथ है, उसमें मिर्च नहीं है ज़्यादा, और जो हमारा कोफ्ता है वो मीठा भी है और चटपटा भी है, तीखा भी है, तो सारे फ्लेवर्स हैं उसके अंदर। तो हम प्लेटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, अपने कोफ्ते की प्लेटिंग कर देते हैं। तो ये है कोफ्ता, मैं इसमें यहाँ पर लगाने वाली हूँ एक ब्रोकली का पीस, क्योंकि मैंने इसमें ब्रोकली डाली थी अपनी ग्रेवी में, तो ये ब्रोकली सर्व कर रही हूँ। और ये मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर, ये थोड़ी सी मटर रखी है मैंने, और ये है मेरे पास प्याज। ओके, तो और ये है बादाम है ये, इस पर मैंने केसर लगाया है इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वही बादाम जो मैंने लीची के अंदर डाला था वही एक बादाम है, उसको खोल के मैंने उसके ऊपर केसर लगाया है। और अब इसके साथ हम एक जो पराठा भी हमने बनाया है वो भी सर्व करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, हमारे पास है पराठा, हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं। तो पराठे को भी हम एक शेप में कट कर लें, ट्रायंगल ले लेते हैं इसका एक, ताकि ये और इंटरेस्टिंग बन जाए। पराठा इसके साथ ऐसे सर्व करेंगे। ये है हमारा पराठा। और अब एक छोटी सी और चीज मैं कर लेती हूँ, आप देखिए, ये है मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल, और ग्रेवी बहुत स्मूथ है, तो ग्रेवी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसमें ये मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। इस मस्टर्ड ऑयल में ऐड कर रही हूँ पंचफोरन, आप जानते हैं, जीरा, सौंफ, मेथी, कलौंजी और मस्टर्ड सीड्स। ये मस्टर्ड ऑयल बनाए, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी, एक मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, चिली ऑयल बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा तीखा ऑयल बना रही हूँ, ताकि हमारी जो ग्रेवी है उसके ऊपर हम इसको सर्व करें और ये और भी अच्छा लगे। और ये मैंने डाल दी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, देखिए बहुत ही, आप अचारी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास अगर मैंगो पिकल है घर में उसका ऑयल भी आप डाल सकते हैं इस पर, इसका फ्लेवर आ गया होगा और कलर भी आ गया। तो मुझे थोड़ा सा ये ऑयल चाहिए जिसको हम अपनी ग्रेवी में अच्छे से डालने वाले हैं। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम, इसको मैं थोड़ा सा ड्रिजल कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें हल्का सा डाल रही हूँ इस तरफ जीरा पाउडर, तो देखा आपने हमारी बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग इनोवेटिव रेसिपी कितनी जल्दी तैयार हो गई है। पराठा भी सर्व कर दिया हमने साथ में, आप चाहें तो एक छोटा सा टमाटो रिंग हम इसमें रख देते हैं, और इसको अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ये प्याज हमने डाल दिया, और ये जो लाल मिर्च मैंने इसमें सर्व करी, इसमें हमारे ऑयल में डाली थी, ये मैंने साथ दिया। और हमारी रेसिपी हो गई है रेडी, आप देखिए कैसा लुक आया है इसका, मतलब कैसी लग रही है आपको देखने में, झटपट गई हमारी ग्रीन ग्रेवी, साथ में चीज़ पराठा,
हमारा कोफ्ता जिसके अंदर है लीची और हमने सैलेड के साथ उसको सर्व किया है, अचारी ऑयल दिया है और आई होप आप सबको पसंद आई होगी रेसिपी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मॉम्स मैजिक कुकिंग जो मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप भी है जहाँ पर मॉम्स बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करती हैं, उनको हम मौका देते हैं कि वो आगे बढ़ सके और बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको कुकिंग का पैशन है, अगर आपके अंदर जुनून है कुकिंग को लेकर के, तो आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बार अमूल का धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मैंने अपनी रेसिपी आपको दिखाई, मुझे खुद बहुत खुशी हुई, करती हूँ आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मॉम्स मैजिक कुकिंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू अमूल एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू, बाय बाय।